Hello everyone, I'm your friend, your host Baadal Bhandaari, and I welcome you on your favorite YouTube channel, that is Dogs, Your Friends Forever. Dosto, aaj mere saath mein ek bahut hi mazedar sa Thor hai. He is a Bull Mastiff dog and he is 4 months old. Ye abhi sirf 4 mahine ka hua hai aur ye bahut acha grow kar raha hai. Iske paws bahut acche hain, head face wagera bahut acha hai. Ye meri home breeding hai aur iske wrinkles aap dekh sakte hain. You can make out thoda sa pass se dekhiye. You can make out about his wrinkles. ये पोजीशन आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट है. इसके बैठने का स्टाइल आप देख सकते हैं, पोस्चर देख सकते हैं आप इसका, बहुत परफेक्ट पोस्चर है. पॉज बहुत अच्छे हैं, चेस्ट बहुत ब्रॉड है. मेरे को क्वेश्चन आ रहे थे, बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी आप भाइयों की, आप जानना चाह रहे थे बुल मैस्टिफ डॉग ब्रीड के बारे में, कि बुल मैस्टिफ के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, शेयर करूं अपनी नॉलेज. ये तो एक छोटे से बच्चे के साथ में मैं बना रहा हूँ, बट ऑफकोर्स एक और जो मेरे पास में बड़ा मेरा ग्रोनअप डॉग है, मैं उसके साथ भी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ. बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करूंगा, कोशिश करूंगा कमिंग वीक में मैं शेयर कर दूं. एंड ये जो बुल मैस्टिफ है, इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा टफ नहीं होता. मैं ब्रीड के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ. ये मेरे पास जो बुल मैस्टिफ है, ये ऑस्ट्रेलियन लाइन्स कैरी कर रहे हैं. अराउंड थर्ड या फोर्थ लाइन होगी जो ऑस्ट्रेलियन होगी. अभी मैंने अपनी ही ब्रीडिंग इतनी अच्छी हाई क्वालिटी में मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ कि मुझे दूसरी बाहर की लाइन्स की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी हम अपडेट करते रहते हैं. इसकी आप पीठ पे भी रिंकल्स देख सकते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ हिज क्वालिटी. ये जो पीठ पे रिंकल्स आ रहे हैं, और इसका बहुत अच्छा रिच टैन कलर है, इसका रिच टैन कलर है. एंड इसका खड़े होने का पोस्चर बहुत अच्छा है. इसके पॉज, इसकी हाइंड लेग्स बहुत अच्छी हैं. जब आप डॉग लें कभी भी बुल मैस्टिफ लें, इस चीज में देखिए कि उसके हेड कैसा है, उसका ईयर्स कैसे हैं, उसके ईयर फ्लाई तो नहीं कर रहे हैं. या आप ये देखिए कि उसकी जो हाइंड लेग्स हैं, क्या वो क्रॉस तो नहीं कर रही हैं, ओवरवेट तो नहीं है. अगर हमने इस एज में डॉग को, इसको अगर हमने मोटा करना हो, और ज्यादा बड़ा आसान है, एक हफ्ते में हम इसको कम से कम 5 kg बॉडी वेट जो है वो पुट ऑन करवा देंगे. लेकिन हमें वो नहीं करना है, बिकॉज अगर हम वो करेंगे, एक्सेस फीड देंगे, एक्सेस डाइट देंगे, बैलेंस फूड नहीं देंगे, तो ये मोटा हो जाएगा. उसका जो इल इफेक्ट्स आएंगे इसके ज्वाइंट्स पे आएंगे. ज्वाइंट्स पे आने से क्या होगा, लेग्स बेंड होना शुरू हो जाएंगी, लेग्स मोड़ना शुरू हो जाएंगी, फ्रंट जो लेग्स है वो वाइड ओपन होना शुरू हो जाएंगे लाइक दिस. वो ये पोजिशन नहीं होनी चाहिए. डॉग लेग शुड बी लाइक दिस, जैसे इसकी है. बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है इसका. अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 24th मार्च है. कोशिश करूंगा 24th of May को 2 महीने बाद फिर से वीडियो बनाए. यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिम, कि ये वही सेम डॉग है. ये इतना बड़ा हो जाएगा तब तक, बिकॉज ब्रीड स्टैंडर्ड बहुत मैटर करेगा. इसका जो ब्रीड स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है. प्लस इसको जो गाइडलाइंस है, ये पर्सनली डायरेक्टली मेरे गाइडलाइंस में पल रहा है. एंड ये जिनका डॉग है, उन्होंने मुझसे ये फोर्थ या फिफ्थ डॉग लिया है. पिछले 19 ईयर्स बैक उन्होंने मुझसे फर्स्ट टाइम जर्मन शेफर्ड लिया था, जो बहुत बढ़िया अच्छे से बना था. और अभी एक मजे की बात यह है कि अभी उन्होंने मुझसे जब ये डॉग लिया, उसके बाद में वो मेरे पास में आए थे. एंड ही इज माई फर्स्ट सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब चैनल, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम. मेरे बहुत अच्छे, मेरे अजीज हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं. अभी मेरे पास में आई आई प्लीज आई ये अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करेंगे कि ये कैसा बन रहा है. इसकी ब्रीड के बारे में कुछ और मैं अभी आपको बताऊंगा, बट थोड़ा सा इनका एक्सपीरियंस गेन करें. आप देखिए वो कितना प्यार कर रहा है इन्हें. प्रदीप जी प्लीज कुछ कहना चाहते हैं. बादल भैया की क्वालिटी टू गुड कहने की जरूरत नहीं. जो हमारा एरिया है, इनफैक्ट अब तो ऑल ओवर इंडिया सब प्रेज करते हैं, सबकी क्वालिटी में आपके सामने ही है. ये मेरा फिफ्थ डॉग है इनसे, वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली. तो 19 ईयर्स हो गए बादल भैया के साथ रिलेशन में, तो कभी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं. टॉप मोस्ट क्वालिटी है आपके सामने नहीं है सर. जैसे सर बोलते हैं कि जो आपकी जीन्स है इसके, वो बहुत मैटर करते हैं. अब ये जितना काम है, जितना आराम से बैठा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द जीन्स. जो इसकी ब्लड लाइन है वो उसी का मैटर है. नहीं तो लोग और भी डॉग्स हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत कुछ. ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं. वही बादल भैया से कह रहे थे, ये मैंने गाय ली है, डॉग नहीं लिया. बहुत बहुत प्यारी ब्रीड है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड. डियर, एक मैं चीज आपके साथ में शेयर करता हूँ कि जो हमने हैबिट्स बनानी है वो बहुत मैटर करती है. हरदीप जी ने जब मुझसे डॉग लिया था, तो इन्होंने मेरे पास में डॉग बुक किया था. ऑलमोस्ट 1 महीने का बुकिंग पीरियड था, जो मैं आपको बोलता हूँ कि 1 महीना 1.5 महीना बुकिंग पीरियड चलेगा.
पेशेंस रखनी पड़ेगी भाई, आई एम नॉट हैविंग एनी फैक्ट्री ऑफ डॉग्स की जस्ट बार 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 बेबीज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक फीमेल बेबीज देगी, लिमिटेड बेबीज होंगे, उनको ग्रो करने में टाइम लगेगा। इफ दे आर 7 days ओल्ड टूडे और मैंने अगर 40 days 45 days का पपी देना है तो डेफिनेटली उसके लिए 1.25 महीना आपको वेट करना ही पड़ेगा। और जो लोग मेरे पास बुक करते हैं डेफिनेटली मैं उनको डॉग जरूर देता हूँ और बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करके देता हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी देता हूँ। अपनी तरफ से बेस्ट गाइडलाइंस रहती हैं, उनको मैं शेयर करता हूँ कि मैं शेयर के साथ मैं श्योर भी करता हूँ कि डॉग बनेगा कैसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट सेलिंग ए डॉग, इट्स अबाउट आफ्टर सेल सर्विसेज, बहुत मैटर करेंगी। आपने डॉग ले लिया, आपके डॉग को बाद में कुछ इशू आ रहा है, उसकी ग्रोथ का इशू आ रहा है, आप किसके पास जाएंगे? आपके पास में कोई आंसर होना चाहिए। आप उसकी हैबिट्स कैसे बनानी है, उसकी पपी बाइटिंग आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, वो आप कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं? आ जाओ मेरे पास में, आ मेरा बेटा, हम उसको कैसे बनाएंगे वो बहुत मैटर करता है। उसके लिए हमें खुद को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और मेरा जो 21 साल का एक्सपीरियंस है मैं वो हमेशा आपके साथ में शेयर करता हूँ, शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और डेफिनेटली मुझे बहुत प्यार मिल रहा है आपका, बहुत सक्सेस मिल रहा है। वो सक्सेस मेरा नहीं है जो इस YouTube चैनल को सक्सेस मिल रहा है, वो सक्सेस मेरा नहीं है, वो आप सबका सक्सेस है। जो प्यार मिल रहा है वो मेरा है, वो मेरा हक है, वो आप मुझे दे रहे हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। लेकिन जो ये चैनल ग्रो कर रहा है ये आपका अपना चैनल है, आप प्राउडली बोलिए कि ये मेरा अपना चैनल है। क्योंकि आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आपकी क्वेरीज हैं, आप डॉग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उसकी ब्रीड स्टैंडर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, आप मेरे से बात कीजिए। ये अभी जो डॉग है छोटा है, ये पूरा ग्रो कर जाएगा, आपको इसकी फुल वर्जन भी दिखाऊंगा मैं बहुत जल्दी, अपने कमिंग वीडियो में दिखाऊंगा कि फुली ग्रोन अप बुल मैस्टिफ कैसा होता है। यू विल लव दैट, शेर लगेगा देखने में, इतना जबरदस्त डॉग है, ही इज अप्रॉक्स 100 kg, मजा आ जाएगा डॉग को देख के। उसकी इतनी जबरदस्त सेहत है, ऐसे लगेगा देख के कि ये रेसलर है, दूर से उसके मसल्स जो है दिखाई देते हैं, जैसे मेरे डॉन के मसल्स दिखाई देते हैं, उस बुल मैस्टिफ के भी मसल दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा कोट कंडीशन है, छोटे बालों वाला डॉग है ये, बहुत बड़े बाल नहीं होते हैं इसके। कुछ लोगों को इस चीज का क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि क्या ये बहुत ज्यादा ड्रूल करते हैं? बहुत ज्यादा ड्रूल नहीं करते, कोई भी बड़ी ब्रीड है ऑफकोर्स उसके स्लाइवा तो आएगा ही, लेकिन गर्मियों में सैर करके आएंगे तो थूक आएगा, ऑफ कोर्स दैट इज देयर। बट जैसे नेपोल्टन मैस्टिफ वगैरह है उनको बहुत ज्यादा ड्रूलिंग होती है, इनकी उतनी ज्यादा ड्रूलिंग नहीं होती। अच्छी ब्रीड है, बढ़िया ब्रीड है, एक बहुत अच्छे फैमिली डॉग है, बहुत अच्छा कंपेनियन है। आप देखिए वो कितने अच्छे पोस्चर में इस समय मेरे साथ में बैठा है, ही इज सिटिंग इन परफेक्ट पोस्चर, परफेक्ट जिसे कहते हैं, पॉज दोनों अगले बिल्कुल पैरेलल उसने किए हैं, हैवी बोन्स हैवी पॉज दिख रहे हैं आपको, चेस्ट बहुत ब्रॉड है एंड ही इज कीपिंग हिज काम, बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है। इसको मुझे बार बार कमांड नहीं देनी पड़ रही, आपने बीगल को देखा था, बीगल जो है वो टिक के नहीं बैठते बिकॉज वो उस तरह की ब्रीड है। बट अगर आप एक बहुत अच्छा वेल बिहेव्ड शांत और वेल बिहेव्ड डॉग चाहते हैं, ऑफकोर्स दे कैन बी गुड वॉच डॉग एज वेल, वो भौंक के आपको बता देगा। ये भी भौंकना शुरू हो गया, ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग, अपनी बात बताता है, पूरी बात मनाता है। वी आर गिविंग हिम स्नैक्स, वी आर गिविंग हिम टीथिंग स्नैक्स, टीथिंग टॉयज दे रहे हैं हम इसको, ताकि पप्पी बाइटिंग की प्रॉब्लम जो आती है वो ना हो। उसके अलावा हम इसे बहुत अच्छा डॉग फूड दे रहे हैं, बैलेंस फूड दे रहे हैं, बॉइल्ड एग्स दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, मल्टीविटामिन दे रहे हैं, इसकी कंघी रोज करते हैं, इसकी मसाज रोज करते हैं, सो दैट ये बहुत अच्छा ग्रो करे, बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ हिज फैमिली। सिंह साहब की ये फैमिली का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये उनके बेटे की तरह ही है, वो उसे उतना ही इंपॉर्टेंट समझते हैं जितना उनके अपने बच्चे। कुछ भी जरा सा भी कुछ हेल्थ इश्यू होता है वो बिल्कुल एकदम से मुझे कॉल करके पूछते हैं कि बादल भैया बताइए क्या करना चाहिए और इस कंडीशन में क्या होना चाहिए। तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि वो मुझे इतना मान देते हैं और मेरे में विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच। बड़े बुल मैस्टिफ डॉग के साथ में एक नया वीडियो बनाएंगे जो आपको पसंद आएगा। ऑफकोर्स थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप वॉचिंग बादल भंडारी प्रेजेंट्स डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर। आपने मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब, आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड लव यू, थैंक यू सो मच डियर, गॉड ब्लेस।